azie, ये से भी और साथियों से भी कहेंगे और हम लोग मिलके हम मतलब कार्यकर्ता के दरवाजे तक जाके खड़ेंगे पहली बार तो जो भी हमारे 25-50-100 कार्यकर्ता बनते हैं भारत भर में तो हम दरवाजे तक जाकर ट्रेनिंग देने की मतलब कोशिश करेंगे और लैपटॉप कोई ऐसी चीज़ नहीं है और लैपटॉप बहुत सस्ता होता जा रहा है 18,000-15,000 का वो 10,000 होगा और कम अब हम सस्ता भी मुहैया कराने की कोशिश करेंगे ऐसी कोई समस्या नहीं है लैपटॉप कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इससे ज़्यादा महंगी तो मोटरसाइकिल है और बहुत सारे दूसरे ऑपरेटर हो सकते हैं वॉशिंग मशीन हो सकती है इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें तो लैपटॉप तो सबके हाथ में चला जाएगा अगले 2-3 सालों में हम लोग कोशिश करेंगे के निदेशक हैं निदेशक नेशनल मीडिया एजेंसी और जब वो ऐसा कह रहे हैं तो ये पूरे पूरे की एजेंसी का साथ भी प्रयास रहेगा या हम लोग इस दिशा में निश्चित तौर पर काम करेंगे। तब चर्चा हो रही थी कि दलित से संबंधित कोई भी घटनाएं वो 7वें 8वें और अंततः आज 17वें पेज पे निकला और घटना का ब्यौरा देखिए दबंगों ने लगाए दलितों के पानी भरने पर रोक मतलब जो संसाधन है उस पर भी मतलब आप पानी नहीं पीने दिया जा रहा है अगर उसके खिलाफ कोई दलित जन आवाज उठाता है तो उसे मारा जाता है पीटा जाता है ये स्थिति है हमारे देश की। अब इसमें हमारे सर जी आए हैं तो इस पर भी कुछ टिप्पणी करें ताकि हम लोग उसको मीडिया में ये 17वें पेज पे ना आकर ये प्रथम पृष्ठ पर होना चाहिए इस पर कैसे और किस तरह क्या कार्रवाई की जाए या कैसा हम लोग इस कदम में कैसे आगे बढ़े ये खबर यहाँ के कार्यक्रम की खबर छपी वो खबर यहाँ दबंगों ने ये घटना है इसे प्रथम पृष्ठ पर होना चाहिए। कल एक लेख छपा था कि पांडा जी 15,000 रुपये अपनी पत्नी को देंगे मतलब ये ज़्यादा जरूरी है कि दबंगों को पीटा जा रहा है मारा जा रहा है पानी नहीं पीने दिया जा रहा है ये ज़्यादा जरूरी है तो इस विषय में हमारा यही ये बड़ा सवाल है क्योंकि अगर यही हल हो जाए तो समस्या ही नहीं ये तो जैसे पहले लोगों ने कहा ये एक कास्ट मीडिया है हमारी पूंजीवादी मीडिया है तो दो कारण से खबरें छपती है एक तो तीन कारण मान लीजिए एक तो सबसे जरूर उनके लिए विज्ञापन फायदा विज्ञापन लाता है फायदा होता है तो फिर उनके दिगर व्यक्तिगत कारण होते हैं संपादक मालिक राजनीतिक जो लोग निकालते हैं उसके लिए तो कुल मिलाकर ये कुछ निहित कारणों से ये खबरें ऊपर नीचे होती हैं। उसके अलावे बड़ी बात ये होती है कि खबरें के कारण खबरों के कारण ऊपर नीचे हो वो नजरिया बहुत कम होता है कुछ अखबारों में होता है कुछ संपादकों पर निर्भर करता है कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं उन पर निर्भर करता है लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है तो इसके लिए कोशिश हम यही करें जैसे अब ये दबंगा पानी का नहीं भरने देने का मामला है इसमें कोई ऐसे लोग को इन्वॉल्व करें जो रेगुलर लोग जैसे बड़े फलक पड़े अगर बम्बई में झुग्गी झोपड़ी हटाओ अभियान में शबाना आदमी कूद पड़ती है तो खबर बड़ी होने लगती है अब वो एक बड़े फलक की बात है वो उस लेवल को छोड़ जब गाँव के लेवल पर क्या बड़ा हो जाए और उस गाँव में ये कोशिश की जाए कि कैसे उन्हीं लोगों के बीच में से हम अपने साथी होंगे जरूर होंगे हर जगह कोई ना कोई दोस्त होता है और दुश्मनों के बीच में भी दोस्त होता है और दोस्तों के बीच में भी दुश्मन होता है इस तरह से देख के चला जाए तो वो टची होकर नहीं दिल पर लेके नहीं मतलब तो मामले में रास्ता कैसे निकालें ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मान के चलिए कि आपको उसमें रहना है उस गांव में और ये समस्या आएगी आएगी और इस पर रास्ता निकालना है। पानी एक ऐसा मसला है कि इसमें आपस में लोग लड़ रहे हैं भाई भाई लड़ रहे हैं जमीन की तरह होता जा रहा है। इंदौर में क्या हुआ कि एक लड़की के घर के मतलब एक परिवार के घर के सामने नल था दूसरी तरफ के लोग पानी ले जाए कुछ उसमें झगड़ा हुआ कुछ हल्का फुल्का लेकिन बात अखबार इस तरह छाप रहा है कि जो लड़की उस घर की जो लड़की है और जो पानी लेने वाला है उसके घर के लड़के का कुछ प्रेम प्रसंग था इस कारण से वो मारपीट हुई और उसमें हत्या हुई या मतलब मर गया जो कि असली खबर मानी यही था वो खबर में पहले में तो ऐसा होगा कि हमें रास्ता इसलिए था इसका कोई जवाब बना बना नहीं होगा इसमें जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा हमें पास होने में कैसे उन लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाए पहचान के बाद अपने समर्थक लोगों की तैयार करें और उसको थोड़ा सा लखनऊ तक लाएँ दिल्ली तक लाएँ इससे मतलब बड़ी हो गई मैं हूँ या और कोई लोग संपर्क में आ जाते हैं हम उसको कोशिश करेंगे कि सारे बड़े हमारे मजेदार बात यह है इस मसले को सुलझाने पहुंची यशो मनोज सिंह को भी कारण लौटना पड़ा क्योंकि जाति का भेदभाव और मानसिकता बहुत है पिछले दिन मैं दिल्ली में था और सिरसा में एक दलित अपाहिज लड़की को उसके पिता के साथ एक झोपड़ी में आग लगा के जिंदा जला दिया गया सर ये बड़ी खबर
दिल्ली के तमाम सारे जो सोशल सेक्टर के साथी हैं, पेश अस्पताल सबके साथ ऐसे बैठा था हम लोगों ने दो घंटे के साथ बैठे बैठे विचार किया, हमारे बीच में युद्ध नहीं था। तो फिर मैंने ही जिक्र किया, मैंने कहा भाई क्या बात है कि जसिका लाल मॉडल जो थी, जसिका लाल के मरने पे इंडिया गेट से लेकर के गेटवे ऑफ इंडिया तक लोग मोमबत्ती जला के बैठे हैं कि पूरी नारी अस्मिता खतरे में है। जसिका लाल के मर्डर के को लेकर के उसको न्याय दिलाने के लिए लोग मोमबत्ती लेकर के गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर इंडिया गेट तक कूद पड़े, लेकिन उनके सर से 50 किलोमीटर दूर में एक अपाहिज लड़की जिंदा बाप के साथ जला दी जाती है और इस देश का मीडिया से लेकर के सोशल सेक्टर से लेकर के सब बिल्कुल चुपचाप है। जब लोग सवाल ये उठाते हैं कि दलित महिला के उत्पीड़न और अत्याचार और आम महिला के उत्पीड़न और अत्याचार में फर्क क्या है, ये बात उनका कहना है कि अगर प्रेस के लोग दलित उत्पीड़न की खबरों को नहीं छापते हैं तो क्या उनके ऊपर उत्पीड़न का केस लग सकता है? ये प्रेस नहीं, ये प्रेस ज्यादा तो बनना चाहिए। हालांकि मीडिया में आरक्षण की बात आई, वो सब ये सब मुद्दे हैं जिनको कुछ फॉर्मेट किया जा सकता है कि अभी कोई पैमाना तो होगा, लेकिन सरसरी तौर पर तो नहीं हो सकता क्योंकि वो उनके अधिकार है। मिल जाएगी तो हम लोग प्रकट हो गए। नहीं, इशू है, ये तरीका है, नहीं इसका एक तरीका है कि मीडिया को केस ही कहते हैं। जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो एक नियामक एजेंसी है जिसका काम है मीडिया को जनता के प्रति जवाबदेह, मीडिया को जनता के प्रति जवाबदेही के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। अगर आपके जगह का मीडिया जानबूझ के आपके मुद्दे को लगातार नकार रहा है तो कम से कम आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में लिखे दे सकते हैं। गुजरात के दंगे हुए, गुजरात समाचार नाम का गुजरात का एक बहुत बड़ा पेपर, दैनिक जागरण भी एक पेपर है। दो पेपरों की खास बात यह है, गुजरात दंगे के समय में गुजरात समाचार में दंगों को भड़काने वाले बहुत सारी खबरें छापी, उससे दंगे और बढ़े। बाद में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको क्वेश्चन उसको नोटिस में लिया और गुजरात समाचार के खिलाफ पेनल्टी लगे, गुजरात समाचार को उसके लिए पनिश दी। इसी तरह दैनिक जागरण के ऊपर 92 के जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या के दंगे हुए थे, दैनिक जागरण को आप उनको उत्तेजनापूर्ण रिपोर्टिंग करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने दोष लगाया। यदि शेर बहादुर जी का नाम अगर गलत छप गया है पेपर में और शेर बहादुर जी लिखित तौर पे उस पेपर को दे दें कंप्लेन कि मैंने मेरा जो नाम है वो ये है, ये गलत छपा है और आप इसका खंडन छापें, अगर इनकी खबर 3 लाइन की छपी थी तो 8 लाइन का खंडन छापेगा अखबार और संपादक संपादक अपनी जिम्मेदारी लेते हुए छापेगा इसको अपना। यदि इनका नाम के आगे हरिजन लगा दिया है तो ये एट्रोसिटी बनता है SC ST एक्ट के अंदर, जिन्होंने अगर ये उसी समय उस कटिंग को ले जा करके सीधे थाने में एफआईआर कर देते तो पूरा का पूरा ये एक नेशनल न्यूज बन जाती, ये एक नेशनल न्यूज बन जाती। और मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि हम मीडिया को ठीक से जानते नहीं, हम मीडिया को ठीक से नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग उस अखबार में शेर बहादुर सिंह छपा है और जबकि मेरा स्टेटमेंट या मेरी खबर या मेरा जो मेरे संदर्भ में छपी है मेरा और उनका नाम शेर बहादुर, शेर बहादुर को शेर बहादुर सिंह लिख करके इन्होंने इनकी पहचान के ऊपर सवाल खड़ा किया, इनकी आइडेंटिटी को धूमिल करने की साजिश की और इसके लिए प्रेस काउंसिल में कंप्लेंट डाल सकते थे। या बात को आप कोई भी आप कभी भी ट्राई करके देख लीजिए, आपकी 100 200 400 500 खबरें अखबार ना छापे, लेकिन जिस दिन अखबार को गलत छाप दे और आप तुरंत अखबार पर लिखित तौर पर दे दें कि आपने कल ये गलत और आपत्तिजनक छापा है इसका खंडन नहीं मिलेगा तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बात करूँ। तमाम सारी बातें बताई और आपने कहा सारी घटना को रखा, अभी तक जो मीडिया का हुआ है कि बागों में आया है पानी मीडिया फिर म्यूजियम परंपरागत मीडिया, जबकि दलितों को खासकर गरीबों का परंपरा मीडिया पर ही ज़्यादा पहुँचे है उनके हाथों में है। रही बात अभी है कि अमेरिका टूटे दौरान हम लोगों ने सारे लोगों का अभी भी पड़ा होगा, अभी उसमें एक घटना घटी और सारे म्यूजियम के लोग मुकदमा उसमें करके हंसा था उनके बारे में। अभी सब ने बताया कि दैनिक जागरण ने जब बाबू में ऐसी घटना घटी थी उसमें
निर्धारण में लिखा था कि खून नदी बहे, जबकि उसी दिन जनसत्ता ने पीछे उनका नाम पता गांव से जितने लोग मरे थे उनका नाम लेकर लिखा था हताई लोग। हम गलती है, हमें न्यूज इसे नहीं आता, उन्हें माने लिया था। फिर बहादुर कुत्ता काटता था खबर नहीं है, ऐसे बहादुर कुत्ते काटते हैं खबर नहीं। हम लोगों ने 2007 में फुटहान के अस्तों के बाद लोगों ने कार्यक्रम किया उसमें हम लोगों ने अस्तों को कुछ नहीं किया। एक उपली सोलाकर उपली होती उपली गोबर की उसकी आरती उतारा और ब्याह के फूल माला बनाया। ब्याह के फूल के तो चबरी माला बना गया वो बड़ी खबर है, सारे न्यूज पेपरों ने कवर किया था। तो हमें खबर कैसा हम उनके सामने मिर्च मसाला लगाकर हम पेश करें।